हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी भाई? पैसे देख रहे हो कितने सारे हैं। आज मैं गोल्ड डिगर प्रैंक शूट करने वाला हूं। लड़की बैठी है उधर, लियो कैमरा जो येलो कलर का डाल रखा है उसने, येलो कलर वाले पे आ रही है कैमरे में वो। हाँ या मेरे पे ले। तो गाइज़ आज की वीडियो बेहद ही मस्त जाने वाली है, फाड़ू जाने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। बेचारी कई देर से अकेली बैठी है, तो देखते हैं क्या चक्कर इसका। पैसे तो बहुत है यार, तुमको लेने है किसी को, सब्सक्राइब कर लेना फिर दूंगा। एक्सक्यूज मी, हाय, खड़े हैं यहाँ पे, बैठ सकते हो? थैंक यू। हाँ तो धूप खिली हुई है ना, है ना? दिख रहा होगा आपको धूप हो रही है। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, मतलब क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको इससे क्या मतलब है? आपको इससे क्या लेना देना? कुछ भी करूं मैं, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। ये जीके का क्वेश्चन है क्या? क्या कर रही हूँ मैट के? अरे मैं तो आराम से पूछ रहा था ना। आपको बैग बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू सो मच। ये क्या है बेकर? ये बेकरी वाले का बैग है क्या? क्या हुआ आपको? बैठने दे दिया यहाँ पे, तो मतलब आप कुछ भी? मैं तो मैं चली जाऊँ। क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या हो गया? अरे मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ ना, मूड नहीं है मेरे बात। आप मंदिर में जाके आएगा, आपको तिलक लगा हुआ है। आपको उससे क्या मतलब? मंदिर जाते हो, मैं चर्च भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाते हो, आपको क्या मतलब है उससे? मैडम आप तो जमा उखड़े उखड़े रह रहे हो, क्या हुआ आपको? कैसे मतलब आप क्यों घुस रहे हो इसमें? चाहिए क्या, ले लो चाहिए? नहीं मुझे, मेरे पास तो है देखो। हाँ तो फिर आप वाला कौन सा है? ये क्या होगा मैम, कोई बात होगी क्या? आपको क्या मतलब? कोई बात होगी, मैं खुश रहूँ दुखी रहूँ आपको क्या मतलब है इससे? मतलब ठीक है बैठ गए, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, मेरे फ़ोन में घुस रहे हो, क्या हो गया? जी के क्वेश्चन, धूप निकल ही रही है, देख लो धूप निकल रही है। लग रही है आपको भी? लग रही है तो? हाँ लग रही, मुझे अच्छी लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम है? आप एक प्रॉब्लम बता दोगे? मैं अच्छी लग रहा बैठी हुई, हट जाऊँ यहाँ से, चली जाऊँ? अरे आप मरे तो मैं नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं उधर से देख रहा था आपको, इधर से बैठे थे मैं, मतलब बात कर लूँ आपसे? अच्छा मतलब कोई भी लड़की यहाँ बैठी हुई मिलेगी तो आप वहाँ पे आके बैठ जाओगे, पूछने लगोगे? हाँ उदास। फ्लर्ट करना है तो कहीं और जाके करो ना, मुझसे फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं, मेरा मूड ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो जाऊँगी फिर मैं। हाँ जाओ, मैंने इनवाइट तो किया था वैसे भी आपको, देख लो फिर जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ मैडम जाओ। कुछ मैडम पागल हो क्या यार आप, मतलब अभी आप गए थे ना? हाँ फ्लर्ट करने कहीं और जाने का हो ना? क्या के लिए? नहीं पता है, देखो यार नहीं सुनो, अभी गुस्सा मत करना, एक बात बता। नहीं क्या सुनूं मैं आपकी, एक तो साफ कर दूं एक बार। हाँ अभी बैठूं, काली पेंट ना इस पे ज्यादा दिखता है वो, पता है मैं ना आपको उधर से देख रहा हूं। जब कोई पर्सन मूड में ना हो बात करने के तो जबरदस्ती आपको चेप होना। हिंदी समझ में आती नहीं आती, किसी बताओ। आती है मेरे को यार, हद कैसे कैसे थप्पड़ मार लो, लेकिन ना ऐसे गुस्से से वो मत करो। मन तो यही कर रहा है खाना आपको थप्पड़, मना नहीं कैसे। अरे मैं सुनो सुनो, अभी सुनो सुनो मेरी बात सुनो, क्या होगा इधर नहीं मतलब। अच्छा सुनो, पता है आपको कोई बैठ नहीं रहा, कौन कैसे मूड में आपको नहीं पता, और आप मजे लेने आ रहे हो आप, है ना? फ्लर्ट करने आ रहे हो? मैडम मजे नहीं ले रहा, मेरे को बात बताओ मतलब क्या होगा, क्या आप शेयरिंग कीजिए ना। क्यों शेयर करूं जानते हो? अच्छा सुनिए सुनो सुनो, मेरी एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो ठीक है। एक्चुअली मैं ना फेस रीडर हूं, फेस रीडर पता है आपको क्या होता है? परेशान थे तो मुझे समझ में नहीं, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, तो उसी के लिए मैं देखिए आई थिंक बताने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है ठीक है, और मन तो हल्का होता है। आप इधर बैठ के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी लग रहे हो, और मेरे को आपका मतलब ऐसे ना माइग्रेन के पेशेंट हो जाओगे आप। हाँ सही में नहीं, मुझे मुझे टेंशन नहीं है, जाके पूछ सकते हो उनसे, उनकी टेंशन दूर कर सकते हो। देखो बाकियों की तो मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई नहीं दिख रहा, सारे हंस रहे हैं खेल रहे हैं पार्क में, उधर वो दोस्त खेल रहे हैं, उधर कपल बैठे हुए झाड़ियों में देखो उधर, चलो आप बिल्कुल एक मासूम सा चेहरा, लेकिन आपके साथ में भी कोई नहीं है, तो मतलब मुझे थोड़ी पता था क्या मतलब क्या मूड आपका क्या वो है।
क्या उन लोग कोई दिक्कत है क्या, बता सकते हैं मेरे को कि क्या? अरे प्लीज, मतलब ठीक है, रोइए मत यार, क्या हुआ? अरे आई एम सॉरी यार, मैं चला जाता हूँ, देखिए मेरी वजह से, मैं जा सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं मेरी वजह से बुरा लगेगा, प्लीज रोइए मत यार। पापा है नहीं, मतलब वो चले गए छोड़ के, और जॉब अच्छा कर रही थी मैं, जॉब भी छोड़ रही और सर्च कर रही जॉब भी नहीं। अरे मैम ये तो फिर रो क्यों रही? आपने ट्राई किया यहाँ पे सीपी में बहुत सारे मॉल्स वगैरह, आपने यहाँ पे ट्राई किया था? जॉब सर्च करने आए, जॉब नहीं मिलती। तो अच्छा, आप आज इंटरव्यू वगैरह था क्या आज? सब आपके मोम क्या करते हैं घर पे, मतलब कौन कौन आपके? मैं जस्ट नॉर्मली ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्लीज बुरा मत मानना, भाई की वो से ही कर लो मेरे को, ठीक है, मैं आप भाई मान लो चाहे। मैं बड़ी तो इसलिए जॉब सर्च कर रही थी, जॉब भी नहीं मिल रही, पैसों की प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा क्या ये? देखो ये तो है ना, सबके साथ हो सकता है यार। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, एक्चुअली अरे सुनिए प्लीज़, रोइए मत, रुकिए यार, एक्सक्यूज मैम प्लीज़, आपके पास हैंकी है, आप ये ले सकते हैं, ले सकते हैं प्लीज़ यार, रोइए मत, ऐसे रोना ना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आप अकेले भी हैं तो इधर बहुत सारे लोग हैं जो आपके वैसे फ़ायदा उठा लेंगे, रोके मतलब लड़कियाँ परेशान देख के लोग आ जाते हैं उनके पास, प्लीज़ रोइए मत यार, ठीक है, तो मेरी बहन जैसी हो आप सही में यार। जॉब नहीं मिली तो इसलिए टेंशन में, और सॉरी ऐसे रूरी बात करने के लिए ऐसे। अरे कोई बात नहीं, मैं आपकी बात करना बुरा नहीं माना, नहीं मैं परेशान नहीं कर रहा था, मैं बुरा नहीं, मेरे को ज़रा भी बुरा नहीं लगा आपकी बात का, ठीक है, तो मतलब अभी है ना किस चीज़ के लिए, फाइनेंस के लिए, क्या फाइनेंस के लिए मतलब किस तरह से दिक्कत हो रही है? प्रॉब्लम है, मतलब घर पे रेंट वगैरह भी देना होता है, पे करना होता है। अच्छा आप रेंट पे रहते हैं? हाँ। तो अभी आपकी जॉब नहीं है, है? सर्च कर रही थी, जॉब सडनली छूट गई, कोई आइडिया होता तो मैं सर्च कर रही थी पहले। अच्छा तो मतलब एकदम से बीच में छूट गई थी, तो उसकी वजह से भी ये सारे मॉल खराब हो गया है। अच्छा भैया आपके पढ़ते हैं जो छोटे वाले हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी उसने 12th में स्टडी कर रहा है, तो अभी वो जॉब ही नहीं कर सकता। हाँ उसके तो बोर्ड्स का एग्जाम है ना, तो वो कर भी नहीं पाया। और आपकी मोम हाउस वाइफ है यार, कितनी बड़ी बात है, मतलब तुम मैंने एक लड़के होकर अपने परिवार को संभाल रही हो, तो है ना ऐसे रोने वाले क्या बात है, ठीक है, जो मिल जाएंगी भाई। देखो पता है, देखो मैं बताता हूँ, मैं मतलब मैं ना एक गैंगस्टर हूँ, हाय माय नेम इज सूर्य रंगा, तो दिव्या हाँ, तो एक्चुअली मैं ना आपके ऊपर प्रैंक करने के लिए आ गया, सही में यार। अरे रियली सॉरी, देखो उधर उधर कैमरा भी लगा है, उधर देखो, मतलब मैं ना उसके वजह से आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप एक्चुअल में भैया आप कैसे हो, तो मैंने गोल्ड डिगर प्रैंक ट्राई करने के लिए आया था, तो रियल में आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक काम करोगे यार, एक बार आँखें बंद कर लो अपनी, आँखें बंद कर लो, मार के तो नहीं जाऊँगा। अरे नहीं मार के नहीं जाऊँगा, आँखें बंद कर लो, नहीं इसकी क्या? अरे नहीं, मैं आपको जानती नहीं, और ऐसे अरे मैम पता है, देखो अगर मैं जॉब बता देंगे, पर ऐसे नहीं, सॉरी प्लीज, मैंने ये है ना जो मैं बता दूंगा, आई प्रॉमिस मैं बता दूंगा, जो बता दूंगा कोई अच्छी से देख के बताऊंगा आपको, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं, आई थिंक यार पता है हम थोड़ा बहुत कमाते हैं, चलते हैं हमारा चल जाएगा, प्लीज रखिए यार इसको, बट मैं आपको रिटर्न कर दूंगी प्लीज, अरे मना मत करना, मैंने तेरे को बहन बोला है, ठीक है, तो रिटर्न करने वाली बात है ना, देऊंगा मुंह के ऊपर, आई एम सॉरी यार, मतलब यार ठीक है, सीरियसली लगा था आप बेकार, बट अरे नहीं यार मैं ऐसी सुबह से आ गया था, ठीक है, वे वो वाला अलग था, मैं गोल्ड डिगर ट्राई करने वाला था इससे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सही जगह पे जाएंगे, ठीक है, तो जॉब की दिक्कत मत लेना, मैं आपको ना कहीं जॉब जरूर सेट करवाऊंगा, आपका मेरे पास है ना, आपका वो कर दो, आप मेरे को कॉल कर दो, ठीक है, आपने मेरे को देखा नहीं हुआ यूट्यूब पे, सूर्य रंगा प्रोडक्शन के नाम से मेरा चैनल है, नहीं एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता, अच्छा कोई नहीं, तो आप मेरे को नंबर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, थैंक यू सो मच, अरे कोई नहीं यार ये चलता रहता है, ठीक है, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बहन हो तुम मेरी, ठीक है, ठीक है सेव कर लेना इसको, ठीक है, सूर्यन के नाम से, और शोर से कर भाई, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मतलब ऐसे अच्छे लड़के भी आज पता चला मुझको, मैं किस एंगल से अच्छा लग रहा हूं, मैं तो फ्लर्ट करता लड़के से, नहीं आपने इतनी बड़ी हेल्प करी, पैसे दिए इवन आज के टाइम पे कोई, अरे कोई नहीं, ठीक है, और रिटर्न करने की मत सोचो, थप्पड़ लग जाए कान के नीचे, बहन नहीं वो जॉब बता दो, अरे नहीं करना यार, मैं बताऊंगा नहीं फिर, बोला नहीं करना, ठीक है,
जो मैं बता दूँ मुझे ठीक है, अच्छी चीज़ बता ठीक है, खुद भी कोशिश करियो मैं भी करूँ, मैं तो ट्राई करी ठीक है। आप हो सके तो यार अभी ना हमारा कैमरा भी चल रहा है तो गोल्ड डिगर तो शूट हो नहीं सका, फिर उन मैंने कैमरे पर हाई कर दो एक बार। गाइस यार सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी पर्सन मिलते हैं अगर जिसके आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो तो गाइस कहीं पर भी पीछे मत हटो यार, अगर आपके पास थोड़ा बहुत है कुछ भी है अगर उसमें थोड़ा बहुत देने से किसी इंसान का उसे हेल्प हो सकती है, प्लीज़ यार हेल्प जरूर करें जैसे आज भाई ने करी है। और मेरी बहन चल 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 मेट्रो तक छोड़ के आऊँ क्या? नहीं बस चल जाओ।